मंथन करोगे उससे मक्खन निकलेगा, और पानी को मंथन करोगे उससे बुदबुद निकलेगा, और कीचड़ को मंथन करोगे तो कीचड़ सारा सब कुछ खराब कर देगा। तो इसीलिए संसार में दुखों को अगर तुम मंथन करोगे तो ये संसारिक वस्तुओं में दुख ही भरा हुआ है। तो संसार दुखों का अगर है, इसे आप समझ लीजिए, आप नेगेटिव चिंताओं को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये नेगेटिव चिंता जितना करेंगे उतने हम दुखी हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों को यही कहना है कि योगस्थ गुरु कर्माणी, इन बातों को हम बांग्ला में भी व्याख्या करेंगे आज इसी श्लोक के ऊपर, कि योगस्थ होकर हमें भोजन भी करना है, पूजन भी करना है, कीर्तन भी करना है, और प्रभु के ध्यान भी करना है, मंत्र भी जप करना है, प्रभु के साथ जुड़कर। प्रभु का तो हमें पता नहीं है, लेकिन अपने आत्मा के साथ, अपने श्वास के साथ। आप कह रहे हैं, आप कहेंगे प्रभु का पता नहीं है महाराज जी, अरे आप प्रभु तो है, लेकिन प्रभु को देखने के लिए थोड़ा योग्यता का आवश्यक है। इसलिए कहते हैं अपने श्वास में कंसंट्रेट करो, अपने प्राण वायु की जो गति चल रही है अंदर, उस प्राण गति को देखो और जप करते रहो, जप करते रहो, कुछ भी जप करो, ऐं क्लीं ह्रीं फट ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं, आप लोगों को कुछ बातों को समझना जरूरी है। रोज हम इस बारे में आपको बताएंगे, रोज सुबह शाम को 7:20 से लेकर के 8 बजे तक, या 7:30 से 8 बजे तक बांग्ला में और हिंदी में दोनों भाषा में आपको समझाएंगे, जिससे कि आपका ये मन थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में आ जाए, शांत हो जाइए, शांत होकर जप कीजिए, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखिए और अपने पेट के निचले हिस्से को ऊपर की तरफ खींचिए, स्पाइनल कॉर्ड सीधा रख लीजिए। ये टेक्निक है, ये टेक्नोलॉजी है, ये मैंने अपने किताब में भी यही लिखा है कि वैदिक टेक्नोलॉजी, मेरा ग्रंथ का नाम है वैदिक प्रयुक्ति विद्या, ये प्रयुक्ति विद्या है, इसे ऋषियों ने संसार को दिया। लेकिन हम जब इस पर प्रवेश नहीं कर पाते तो हम संसार में सुख ढूंढने का कोशिश करते हैं। सोच लीजिए, संसार को कितना भी ढूंढिए, मंथन कीजिए, ये संसार आपको दुख देगा, ये सुख नहीं दे सकता। तो सुख तो कुछ देर के लिए होगा, लेकिन दुख का एक फीलिंग्स जो है वो अंदर टिका रहेगा। और जब योगस्थ हो जाएंगे तो दुख का जो एक्सपीरियंस है जीवन में वो भी चला जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा थारा थिंकिंग। आप सोचेंगे जो भी कुछ हो रहा है अच्छाई के लिए हो रहा है, अरे कोरोना आया वो भी अच्छाई के लिए हुआ है, बीमारी हो जाए तो भी प्रभु का कृपा है और सुंदर हो जाए। नेगेटिव चिंता को छोड़ दीजिए, आप अपने आप सुंदर हो जाएंगे, अपने आप मधुर हो जाएंगे, जीवन मधुमय हो जाएगा, मधुपति भगवान से जुड़ जाएंगे। सारे मधुरता तो आपके अंदर भगवान ने दे दिया है, मैं आपको केवल उसके बारे में बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ देने वाला नहीं हूँ। देने वाला तो आपके अंदर सब कुछ दे दिया है, ये प्राण वायु हमने नहीं दिया। मेरे कहा प्राण वायु में केवल कंसंट्रेट करो, प्राण के साथ समाहित होकर के मंत्र का जप करो। जीवन में बहुत सारे ज्ञान प्राप्त किए, लेकिन ज्ञान को अगर प्रयोग नहीं किया तो क्या हुआ। विद्यापति का एक पद है, कत विदगध जन रस अनुमान अनुभव पेखो लुना एक, कहत विद्यापति प्राण जुड़ाई ते लाखे ना मिलल एक, लाखों में एक भी नहीं मिला। बहुत सारे लोग ज्ञान का व्याख्या तो किए, लेकिन उस ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग नहीं कर पाया। प्रयोग नहीं किया तो वंचित हो गया। अरे इतने सारे ज्ञान जो बोझ की तरह अब तुम अपने सिर पर ढो रहे हो, जैसे गधा ढोता है ना, गधा, गधा के बारे में तो आपको मालूम है, गधा क्या करता है, कितने कपड़े का बोझ ढोता है, चीनी का बोरा ढोता है और कितना सब कुछ ढोता है, लेकिन चीनी का स्वाद या कपड़ा पहनने का आनंद गधे को नहीं मिलता। इस संसार में उसी प्रकार कुछ लोग ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, वो ज्ञान का बोझ को सिर पर लेके ढोते रहते हैं, लेकिन उसको जीवन में प्रयोग नहीं कर पाते।
यदि जीवन में प्रयोग नहीं किया तो ज्ञान बेकार हो गया। इसलिए कहते हैं कहत विद्यापति प्राण जुड़ाई ते लाखे ना मिलल एक, प्राण में शांति पाने के लिए लाखों में एक भी नहीं मिला। इसलिए ये संसार यातना का केंद्र है, यहाँ पर रह करके नेगेटिव चिंताओं को छोड़ दो, विचारों को छोड़ दो, नेगेटिव भावों को छोड़ दो। रात को सोते समय मंत्र जप करते करते शांत होकर सीधा जब हो जाओगे तो क्या करोगे, सीधा तकिए को थोड़ा हटा दो और सीधा लेट जाओ, सब बन जाओ। सोच लो कि कोरोना से मैं मर गया, मर जाओ और ये मरो मुर्दा बन जाओ, अपने अंदर शांत हो जाओ कि मेरे अंदर केवल अमृत रह गया। जो चिंता थी वो चली गई, जो वासनाएं थी, कामनाएं थी, जो भोग का विचार पाने की इच्छा, जो भी कुछ था वो सब चला गया। मैं तो अमृतमय प्रभु के अमृत चेतना में पहुंच गया हूँ और उसी अमृत चेतना में सो जाओ, फिर क्या होगा, सपने भी सुंदर होगा, भाव भी सुंदर होंगे, पॉजिटिव थिंकिंग जगेगा, जीवन सुंदर होने लगेगा। ये निश्चित बात है। कौन कह रहा है, केशवानंद बन महाराज, जो सारे दुनिया में अपने 19 साल के उम्र में संन्यास लेकर सारे भारतवर्ष को अपने विचारों से प्रभावित किया, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, जस्टिस क्लब, ऑफिसर्स क्लब, बार एसोसिएशन, बहुत सारे बार एसोसिएशन में, कलकत्ता हाईकोर्ट का जो कलकत्ता बार एसोसिएशन है उसमें भी मेरा लेक्चर हुआ, और सारे दुनिया में कितने सारे डिग्री कॉलेजों में और साधु सम्मेलन में हमने जीवन भर लेक्चर दिया। इसीलिए और ध्यान करते करते आज के जीवन में यही अनुभव हुआ कि जो भी कुछ किया वो भी जरूरत था, लेकिन वो जीवन का लक्ष्य नहीं था। वो तो करना था, वो पढ़ना था, सीखना था, वो अध्ययन करना था, लोगों के पास ज्ञान को पहुंचाना था, बांटना था, वो सब किया। लेकिन आज उस ज्ञान को जीवन में अपने साधना में उस ज्ञान को लगाने का समय आ गया है, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। इसलिए जो जितना भाग्यवान होगा वो तो केशवानंद भट्ट महाराज को उतना गहराई से लेगा और उतने गहराई से विचार करेगा। सोच लीजिए, आपके लिए संक्षिप्त रूप में एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ। अगले 18 अप्रैल को हमारा कालसर्प दोष का उपाय हम करेंगे, दोष का गंगा जी में जाके पूजन के द्वारा उसका निराकरण करते हैं कवच धारण करने के बाद। तो 18 अप्रैल को ये दिन आपको मिलेगा, क्योंकि 14 तारीख तक लॉकडाउन है और 18 तारीख को आप कालसर्प दोष को आप उसका उपाय कर सकते हैं हमारे पास आके बाग बाजार में। ये बाग बाजार मोड़ पर हमारा ऑफिस है। दूसरी बात यह है कि हमारा बुकिंग जो शुरू होगा वो मई के महीने की फर्स्ट वीक से सभी भक्तों को जान लेना चाहिए कि फर्स्ट वीक ऑफ मई हम लोग बुकिंग शुरू कर देंगे। जो हरिद्वार में 7 दिन का भागवत कथा होगी, भजन कीर्तन के लिए सारे हमारे सुबल सुंदरानंद से लेकर के बड़े बड़े संगीतज्ञ लोग साथ में रहेंगे, सबको लेकर के वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। 7 दिन भागवत सुनने का आपको मौका मिलेगा। रोज सुबह ये लक्ष्मण झूला, राम झूला से लेकर के सप्त ऋषि, ऋषिकेश, कंखल आदि सबका दर्शन कराएंगे। रोज सुबह का प्रोग्राम रहेगा। मुसौड़ी और देहरादून जाने की इच्छा है तो वो भी देखा देंगे। 7 दिन रोज सुबह का बाहर का प्रोग्राम रहेगा। शाम को 3 बजे से ये भागवत का जो विचार है वो भागवत प्रोग्राम रहेगा। इसलिए आप सभी लोगों को इस प्रोग्राम के लिए आमंत्रण है, आप सभी लोग उसमें सम्मिलित हों। सभी लोगों को हम प्राण से यही चाहते हैं कि आप इसमें सम्मिलित होकर इस आनंद को उठाएं। दूसरी बात यह है कि उसके बाद ब्रजधाम परिक्रमा होगा। परिक्रमा समाप्त होने के बाद 30 नवंबर को हमारा जो ठाकुर जी का प्रतिष्ठा उपलक्ष्य जो तिथि है, उस तिथि में हमारा संन्यास भी हुआ था वृंदावन में, वो हमारा संन्यास जन्म का प्रारंभिक दिन है। हमारा संन्यास हुआ था रास पूर्णमासी में, और रास पूर्णमासी में जो हम हर साल गीता महायज्ञ यमुना जी का शोभा यात्रा से लेकर के 11 कलश जल यमुना जी में से ले आते हैं, लाके वहाँ पर गीता महायज्ञ होता है। उसके बाद 1:30 बजे से प्रसाद शुरू होता है वितरण,
और 4 बजे 5 बजे तक प्रसाद वितरण होता है। इसलिए इसके लिए आप लोग तैयार हो जाएं कि हम लोग 1 मई से इस प्रोग्राम के लिए बुकिंग करेंगे और जून तक बुकिंग रहेगा और जुलाई के फर्स्ट वीक में सबका रिजर्वेशन हो जाएगा। इसलिए आप लोग इस प्रोग्राम के लिए भी तैयार हो जाइए। अरे नेगेटिव चिंता को छोड़िए, कोरोना कुछ नहीं कहेगा करेगा। भारत में गर्मी आ गई, नहीं तो भारत जो लाखों के मरीज हो जाते। ये कोरोना जो है हमने ये लोगों ने देखा है कि 15-20 मिनट से ज़्यादा गर्मी में ये जीता नहीं है, 15 मिनट जी सकता है। इसलिए जो गर्मी बढ़ रहा है ये कोरोना से हम लोग कोई परेशानी नहीं होने का है। जहाँ ठंडा का देश है वहाँ परेशानी तो है, हम उसके लिए हम भी दुखी होते हैं। देख देख के कभी मेरे आँखों से जल आ जाता है, पानी आ जाता है कि ये क्या हो रहा है प्रभु, संसार में हमको इतना शक्ति दो, सबको हम आरोग्य प्रदान कर सके, या हमको ना दो तो तुम ठीक कर दो। भगवान को यही कहते हैं। आप लोग सभी शुद्ध भावना से भगवान का ध्यान करें, योगस्थ हो जाइए। इसी श्लोक के ऊपर बांग्ला भाषा में भी हम प्रवचन करेंगे, इसके बाद बांग्ला में शुरू होगा अभी 2 मिनट के अंदर। ओम शांति।